अहमदनगर जिले के शेवगांव तहसील में स्वराज मंगल कार्यालय में मराठा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत भगवान की मूर्ति पर माल्यार्पण कर की गई। इस अवसर पर वर्ल्ड मराठा ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग मौजूद थे। रक्तदान शिविर समाज के सभी वर्गों की भागीदारी के साथ आयोजित किया गया था। गंभीर रूप से बीमार रोगियों को या दुर्घटनाओं में घायल लोगों को खून की सख्त जरूरत होती है, फिर समय पर खून प्राप्त करना आवश्यक है तो आपके खून की एक एक बूंद किसी की जान बचा सकती है। इसी भावना के साथ आयोजित इस शिविर में शहर के लोगों ने अच्छी तरह से भाग लिया। लगभग दोपहर तक 75 युवा रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है। अष्टविनायक ब्लड बैंक अहमदनगर द्वारा रक्त संग्रह किया गया था। इस कार्यक्रम में तहसीलदार आठरे मौजूद थे। वर्ल्ड मराठा ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी संस्था है, इसका उद्देश्य है जो कि गरीब से गरीब और मराठा और वो किसी भी जात का और किसी का धर्म को उसे हमारे ग्रुप की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा ध्येय है। हमारा जो कार्य है वो 9 बजे शुरू होगा हुआ है। अभी तक हमारे 40 और 45 डोनर्स हो चुके हैं। हमारा लक्ष्य है कि 100 से ज़्यादा हमारे डोनर्स होने चाहिए और हो जाएंगे, हमें यकीन है। अभी शोगों में वर्ल्ड मराठा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ब्लड डोनेशन चालू हो रहे हैं। अभी तक 11:30 बज गए, 40 डोनर हो गए और हमारी यह खतरे है कि अभी 100 से ज़्यादा डोनर होने चाहिए। ये जो ब्लड हम जो देने वाले, ये इसका गरीब आदमी को फायदा हो जाएगा। एनबीसी न्यूज़ के लिए शेवगांव से रामनाथ रुईकर की रिपोर्ट।